खीर भरी बदली कहने वाली महादेवी असल में शक्ति पुंज हैं, जो उनके सार्थक जीवन से सहज सिद्ध है। जिंदगी के छोटे से छोटे कालखंड में कहीं शून्यता नहीं, वहां पग पग पर संगीत है, नाद है। उनके अमूल्य योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भी उन्हें पुरस्कृत किया। आज इस उम्र में पहुंचने के बाद निश्चय ही वे अपनी पुरानी स्मृतियों से बार बार जुड़ती हैं। उनका अतीत महज भूतकाल नहीं, एक गौरवशाली इतिहास है। किशोरावस्था से लेकर अब तक वे अनेक सिद्ध साहित्यकारों, चिंतकों के संपर्क में आईं। युग कवि निराला पर उनका गहरा स्नेह था। महादेवी का जिक्र हो तो निराला संदर्भ से परे हो ही नहीं सकते। सदा वत्सला महादेवी नई से नई नव्यतर पीढ़ी की मां स्वरूपा हैं। हमारी उनसे एक अनौपचारिक बातचीत हुई। राजनीति शक्ति चाहती है, वो त्याग नहीं चाहती। कर्तव्य से जो मिलता है वो तो महत्व का है, और राजनीति से मिलता है तो कुटिलता की नीति है। उससे जो मिलता है सब देखिए, अब आज आप इलेक्शन के लिए जाएं तो 5 लाख चाहिए। 5 लाख देखा ही वाले आदमी नहीं होगा तो कहाँ से लाएगा? बहुत तरह की बेईमानी से लाएगा। तब फिर उसने अपने चरित्र का खो दिया। चरित्र ऐसा है कि देखिए, फूलों को आप तोल सकते हैं, गिन सकते हैं, बेच सकते हैं, इसके सौरभ को तो नहीं आप ना तोल सकते ना बेच सकते। वो हवा में मिल जाता है, एक हो जाता है। ये नहीं है कि आप कहें कि बेले का गुलाब से नहीं मिलेगा और गुलाब का कमल से नहीं मिलेगा, एक हो जाते हैं। वैसा ही है कि सारी विविधता के साथ एक सूत्र होता है ना, जिसके हम माला बना लेते हैं। बहुत रंग के फूल हम एक में गूंथ लेते हैं। तो हमारा देश भी ऐसा ही था, एक संस्कृति के उसमें हम सब गूंथे हुए थे। अब राजनीति ने अलग अलग दल बना दिए हमारे, उन दलों के मारे हमारी बहुत सी समस्याएं बढ़ गईं। और अब कोई आदमी कहता ना कि देश विकसित है, तो हमने कहा कि आप यही कहते हैं कि मशीनें इतनी आ गईं। हम कहते हैं आदमी कितना अच्छा हुआ ये बताइए हमको। कोई बताता नहीं, बताएगा कैसे? हुआ नहीं आदमी अच्छा ना। तो कभी कभी दुख होता है कि बेकार होता है लिखना। अब देखिए, हमारी जो नई पीढ़ी है वो है विद्यार्थी।
भविष्य बनता है उससे ना, भारत का भविष्य तो उसी में है। अब वो नहीं बना है तो क्या बनेगा? अब देखिए जैसा पंजाब में हो रहा है, तो पहले ही मैंने कहा था कि इसके पहले रोकथाम करूं, नहीं कि फिर उसके बाद जब मैं गई दिल्ली तो फिर मैंने कहा कि हम लोग चले इस समय हर आतंकी, हर आतंकवादी के पास वात्सल्य माँ है, समर्पिता पत्नी है, श्रद्धा वाली पुत्री है, राखी बांधने वाली बहन है, इनको जगाओ। वो कहते थे गांधी जी कि आदमी तो स्वभाव से आक्रमणकारी है और महिलाएं उसको बड़े रेशमी बंधनों से बांधती हैं तब वो बनता है, नहीं तो छूट जाए तो पर। और बहुत कुछ सच चाहिए, देखिए ना अकेले आप नहीं हैं, आपके जीवन का पूरा मूल उन्हीं लोगों को मालूम है। अरे मेरे भाई को कुछ ना हो जाए, मेरे पति को कुछ ना जाए, मेरे पिता को कुछ ना जाए, कितनी बड़ी बात है। इतने लोगों की कल्याण कामना आपको बांधे है, आप अपने प्राण देने में ही झिझकेंगे, हम चले जाएंगे तो इन सब का क्या होगा? तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो हमने कहा हम लोग चलें और उनकी माँ को, बहनों को, पुत्रियों से कहें इसको भाई रोको, ये दूसरों की पत्नियों को विधवा बनाता है, बहन को भाई के बिना बना देता है, पुत्री को बिना पिता के बना देता है। अगर हम जगाएं, मैं आज भी मानती हूँ, तो आतंकवादी आज भी हमारे काबू में आ जाएगा। हम नहीं करते हैं, हम सेना भेजते हैं, हथियार भेजते हैं, वो भी हथियार देता है, हथियार से कभी हथियार जीता है, उससे बड़ा बना लेगा, है ना? तो अब हमारे पास हथियार ही हथियार तो हैं। अभी बनारस से गई तो कैसे भयंकर लड़के हैं वहाँ के, सब बाहर खड़े थे। अच्छा, और उन्होंने, मैंने कहा कि भाई वीसी ने बुलाया, वो कहाँ है? उन्होंने कहा मंच पर आविर्भूत होंगे वो। हमने कहा भूत होंगे क्या? खैर उसके बाद में वो आए, तो उनको ही डर था, उनको पीटने के लिए लड़के तैयार थे, तो मारेंगे जी। और उस शिमाली को मारा था उन्होंने, और कपड़े उतरवा लिए थे उनके, तो उन्होंने कहा कि ये कहीं ऐसा ना हो। मैंने कहा आप बिल्कुल डरा नहीं, आप बैठे, कोई मेरे सामने आपको मारेगा नहीं। और बात हुई है, मैंने कहा सब बैठ जाइए, आपसे कड़वी बातें कहूंगी पर आप मेरे बच्चे हैं, अने लेखक का तो मानस पुत्र वही है, सही बात। अरे भारत का भविष्य आप हैं, तो एक सिपाही जब गिरता है ना तो उसकी इच्छा होती है कि हमारी ध्वजा दूसरा थाम ले, जो आगे जाता है वो पहले गिरता है, वो तो मरेगा ही। अगर हर सिपाही सोचे मुझे जयमाला मिले तो हार जाएगा, तो बाकी जो पहले उसमें आते हैं वो प्राण की चिंता नहीं करते, देते हैं, खाली इच्छा रखते हैं दूसरा हमारी ध्वजा को थाम ले, इतना सोचते हैं। तो असल में सबने सुना, सब बैठे और किसी ने कुछ नहीं कहा उनसे, सबने उनको प्रणाम किया। मैंने कहा देखिए कोई बात ऐसी है, स्नेह का तो की कोई भाषा नहीं होती, आप आए हैं इतने दूर से किसी आकर्षण से, किसी स्नेह से ना, और ये काम तो हो जाएगा, ये आपके कर्तव्य हैं, लेकिन
आपको फिर भी याद रहेगी, कुछ और चीज याद रहेगी। ये नहीं याद रहेगा कि आप गए थे मशीन आपने किया, मशीन तो है लेकिन उसके अतिरिक्त आपका जो आत्मीय भाव है वो तो हमारे साथ दूसरा है जी। सही बात, ये खाली यंत्र का नहीं है। तो आप जब याद करेंगे तो बहुत दिन याद करेंगे, तो बहुत तरह याद करेंगे। तो मैं यही कहती हूँ कि आदमी का आदमी के प्रति जो एक स्नेह है वो जब सूख जाता है तब विरोध आता है। अच्छा, साहित्यकार संसद तो एक ज़माने में बड़ी फली फूली जगह थी और अब तो वहाँ बिल्कुल, अब ऐसा है ना, देखिए वर्षों से कि उस समय दद्दा और हम ढूंढ रहे थे, निराला जी बीमार थे, हम लोग जगह ढूंढ रहे थे कहाँ इनको रखें। तो गंगा के किनारे दद्दा ने, मैथिल शरण जी ने वो जगह पसंद की, तो उन्होंने कहा कि सरकार से तो लेंगे नहीं हम, तो साहित्यिकों ने इधर उधर से करके 60,000 में जगह ली। उसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने भी 24,000 दे दिया है रॉयल्टी का। हमारा अपना खर्च कुछ है नहीं, ये हमारे पास चारों तरफ लोग हैं वही हैं, अब और तो कहीं है नहीं। लेकिन ऐसा हुआ कि वो जगह अच्छी लगी, निराला जी 5 वर्ष रहे वहाँ, अच्छे भी हो गए। लेकिन ये इतना अच्छा इंतज़ाम आपने किया साहित्यकार संसद का की शुरुआत करके, मगर वो चला नहीं अब बिल्कुल वहाँ, तो अब तो नहीं। ऐसा है ना, जब चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ नहीं रहे, वो पुलिस की गोली से बेचारे, बड़े वीर थे वो जी। यहाँ तक कि मैंने देखा उनको कि वो चांद प्रेस में आए तो राम रक्ष सिंह उनको मानते थे बहुत, तो एक कई डोरियों में कई डालों से पत्थर बांध दिए और हिला दिया सबको। उनसे कहा कि इसको काटना है, सूची निशाना उसका उसी को काट दियो। बहुत वीर आदमी था। जब वो मर गए तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि उनका उनकी लाश लेके सबका जगह घूमे, तो चुपचाप जा कर के रसूलाबाद में उन्होंने गंगा किनारे जला दियो। खैर, उनका तो समझ में आया। अब उसमें क्या हुआ कि जो जाता है वो जलाता है, जो दारागंज में पहुँचता वहाँ पहुँचता है। अब महापालिका कहती है कि हम तो बिजली का सौदा बनाएंगे, हमारी कुछ जमीन लेके, बताइए वहाँ कैसे कोई रहेगा। तब उसमें देखिए, उसमें रहे हैं दद्दा रहे हैं और ये निराला जी वर्षों रहे हैं, बनफूल रहे हैं और दक्षिण के कृष्णमूर्ति रहे हैं, राममूर्ति रेणु रहे हैं, यानी कई प्रदेशों के लोग रहे हैं, माखनलाल जी रहे हैं, तो इन सबकी स्मृति उसमें है, उसको हम देना नहीं चाहते। और आज का जो लेखक है वो लेखक अकेलापन चाहता नहीं। वहाँ तो ये लिखते थे, निराला जी ने बहुत कुछ लिखा, उसमें स्वस्थ हो गए। उनको एक ही रोग था, जो कुछ वो कल्पना में देखते थे लगता सत्य है बस। तो हम पहले कांके गए हजारीबाग, उनसे पूछा, अमेरिकन डॉक्टर थे, कि क्या दवा करें। उन्होंने कहा देखिए, जो बहुत ऊंचे साहित्यकार होते हैं कलाकार, कभी कभी ऐसा होता है कि जो सपना देखते हैं उनको सत्य लगते लगता है। तो हमने कहा क्या दवा करें। उन्होंने कहा आप बाहर बंगला लेके ठहरिए और उनको रखेंगे, हम मनोवैज्ञानिक चिकित्सा करेंगे। भाई, हमने सब ठीक ठाक किया, अब उनको कैसे ले जाते।
तो एक दिन हम ओढ़ ओढ़ के बैठे तो उन्होंने कहा क्या हुआ तुमको, उन्होंने कहा बीमार है, डॉक्टर कहते हैं कि कहीं जलवायु बदलो। तो कहाँ कहाँ चलोगे, वो बड़े भाई थे, तो चलो हम ले चलते हैं तुमको। तो हमने कहा कि बस सारी बाग कहा है उन्हें जाने, उनको क्या हो, तो परमहंस आदमी, उन्होंने कहा हाँ चलो। अब हुआ क्या कि किसी को पता चल गया कि ये बात हो रही है, उन्होंने अखबार में छाप दिया कि महादेवी जी और पंत जी सलाह करके निराधर जी को पागल खाने में ले जा रहे हैं। अब क्या कहें, फिर नहीं गए तो यहाँ रखा और अच्छे हो गए वो। परमहंस थे तो राखी के दिन शाम तक आते जरूर थे, आके कहते थे 2 रुपए उधार दो, क्या करेंगे, एक रिक्शे वाले को देंगे एक तुमको देंगे। सोचिए आप कैसा मन होगा उनका, बिल्कुल बच्चे। अभी जो उड़ीसा के राज्यपाल है ना विश्वम्भर नाथ पांडे, तो ये मेयर हो गए यहाँ, तो गए निराले जी को प्रणाम करने। अब उनके पास कुछ भी नहीं था, होता कभी था ही नहीं होता, तो कुर्ता एक साबुन से साबुन हमारे पास से ले गए, कुर्ता साफ किया था सुखाया था, वो उठा के उनको वो पहन के आए। इतना बड़ा उनके लिए भी होता था, निराला जी तो बिल्कुल 6 फुट में होंगे, ऐसा व्यक्ति दूसरा नहीं है। जब आए वहाँ वैशादर से, बंगाल में जन्म हुआ उनका, और बंगला तो उनकी मातृभाषा की तरह थी, विवाह यहाँ हुआ था जन्म में, तो पत्नी उनकी मनोहरा देवी वो हिंदी जानती थी, उनके लिए इन्होंने हिंदी सीखी, नहीं तो बंगला में लिखते थे। तो हिंदी लिखी तो आप में उनके अक्षर देखे होंगे, इतने सुंदर कोई नहीं लिखता है, ऐसी लहरदार ऐसी भाषा उनकी थी कि अद्भुत बिल्कुल। और 22 साल के थे तब उनकी पत्नी नहीं रही, फिर विवाह नहीं किया। फिर उसके बाद हमने जब कहा कि भाई दोनों बच्चे छोटे हैं, एक लड़की थी एक लड़का, छोटे थे ये दोनों, इतने छोटे हैं आप विवाह कर लें, तो उन्होंने हमको बड़ी बात कही, उनसे कहा मनोहरा देवी मरी नहीं है, मुझ में समा गई है, तुम आप दोनों हो। असल में वहाँ जब खबर पहुँची ना उनकी बीमारी की, चले तो जब गांव के सीमा में पहुँचे तो उनकी पत्नी को जला करके लोग लौट रहे थे, अंतिम समय में नहीं देखा उन्होंने, लेकिन उनके चरित्र पर कोई धब्बा नहीं है। एक वो और एक नेहरू जी, नेहरू जी भी ऐसा है कि हमेशा कहते थे महादेवी मैं तो नास्तिक हूँ। हमने कहा भाई अब कभी देखेंगे हम तुम्हारी नास्तिकता, तो जब कमला जी को वहाँ निधन उनका हो गया है और जला के आए तो भस्म यहाँ प्रवाहित की, बिल्कुल उसी कर्म कांड के साथ धोती पहन के जनेऊ डाल के जैसा कहा पंडित ने, और इतनी भस्म उन्होंने एक डिब्बी में रखी चांदी की डिब्बी में, उसको हमेशा अपने सराहने रखते थे वो। तो जब कुछ दिन हो गए दिल्ली में गई थी, देखा मैंने, तो मैंने कहा जवाहर भाई अब बताएं आप नास्तिक हैं कि आस्तिक, तो उनके आंसू आ गए, कहने लगे महादेवी आज तो मैं आस्तिक हूँ, क्योंकि ये ठीक है
कमला की भस्म तक मैं प्रवाहित कराया, लेकिन मुझे लगता है वो है, वो मुझे देखती है। दो को मैंने देखा, इतने ज़्यादा अपनी पत्नी के प्रति इतना स्नेह रखना बड़ा मुश्किल है। जवाहरलाल जी तो के चारों तरफ कहीं विधवा कहीं कौन, पचासों लड़कियां घूमती रहती थी। अपने दादाजी तो इतने कम रहे, महिषादल रहते थे, और वो इतने सुंदर थे कि जब जन्म उनका हुआ ना, तो उन्होंने कहा जी सूर्य कुमार है, तो उनका नाम पहले सूर्य कुमार ही था, सूर्यकांत तो बाद में हुए ये। और वो राजकुमारों के साथ ही घोड़े की सवारी और सब करते थे। राजा बहुत चाहता था कि रहें। ये जब आए और हिंदी का हाल देखा, हिंदी लिखने लगी, कैसी हिंदी लिखी उन्होंने और क्या लिखा है, और मानव तो उनसे ऊंचा अभी हमने देखा नहीं। एक दिन हमसे कहा महादेव बहन आओ बजट बनाएं, काहे का बजट, एक पैसा भी पास नहीं, बजट बनेगा तो हमने क्या करेंगे, कह रहे हैं कि अरे बनाएंगे, इतना रुपया दूध का, इतना खाने का, इतना इसका। हमने कहा रुपया, कहा तुम बताओ किसके पास जाएं, प्रकाश सके लेते नहीं थे किसी से, हम सिर्फ 2 रुपये उधार लेते थे बस। अच्छा तो हमने कहा पाठक जी के पास जाओ। वो होता ये था कि कोई विद्यार्थी आया, उसने कहा कि परीक्षा के लिए रुपया नहीं है, उन्होंने बैठे हो जो लिखा था लेके गए, कहा ये इसको 30 रुपया दे दो और ये कॉपीराइट। उन्होंने कहा लिख दीजिए, लिख दिया। इस तरह 30 में 25 में सब किताबें गई उनकी। क्या कहे जा रहे, ऐसे दानशील आदमी का सोच के एकदम दुख होता है कि युग ने उनको भी कष्ट दिया। जब आए पहले तो बापू आए थे, स्वराज में उन्हें बापू से मिलने गए तो रास्ता मालूम नहीं था। एक बकरी को टांगे में बैठा के ले जा रहे थे लोग। कहा मैं हिंदी का कवि चल रहा हूँ पैदल और बकरी जा रही है, जरूर बापू की बकरी है। और बात ये थी बकरी का दूध बापू पीते थे तो ले जा रहे थे बकरी को उस तरह। अब ये पीछे चले उसके, वहाँ पहुँचे तो बापू ने देखा ऊपर से नीचे तक, कहा कि ये बंगाली की तरह थे और चुनी हुई धोती पहनते थे वैसी, कुर्ता पहने और बड़े बाल। तो उन्होंने कहा आप किस प्रांत के हैं, ये चुप कहाँ रहते। कहने लगे बापू हम तो समझते हैं आप प्रांत नहीं मानते हैं, भारत एक है। आप मुझसे पूछते हैं मैं कहाँ का हूँ, कोई बापू से कैसे बोल सकता था, नहीं बोल सकता था। बापू ने कहा मैंने आपकी वेशभूषा देख के पूछ लिया। खैर अब वे बैठे बापू तो काँच रहे थे, तो फिर थोड़ी देर में कहा आपने हिंदी लिखा है, हिंदी में कोई रविंद्र नहीं है। उन्होंने कहाँ लिखा, कहा आपने मेरा लिखा वज पढ़ा है, क्या आपने निराला को पढ़ा है, ये कहा अपने लिए ऐसे बोलते जैसे दूसरा आदमी है। बापू ने कहा मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन आप अपनी किताबें महादेव भाई को भेज दीजिएगा। तो उन्होंने उठते हुए कहा कि मैं जाता तो हूँ बापू, लेकिन आपको एक कहानी सुना जाता हूँ कि एक घोड़ा मांगने गए तो उसने घोड़े वाले ने कहा घोड़ा नहीं है, घोड़ा ही नहीं, नाने लगा
तो उसे मांगने वाले ने कहा कि घोड़ा तो है नाराज है। तो उसने कहा तुम घोड़े की आवाज पहचानते हो कि मेरी, यानी मैं देना नहीं चाहता हूँ, तुम घोड़े की आवाज पहचानते हो। तो बापू मैं आपकी आवाज पहचान के आपके घोड़े की नहीं पहचान। जब आपने पढ़ा कुछ नहीं है, क्या बात, तो सोचिए वो एक उनकी कविता है, बापू ये तुम मुर्गी खाते। ये वंग वह हमेशा करते थे। साम्यवादी सच्चे मन से निराला हो जाए ऐसा बहुत मुश्किल है। उनके लिए साम्यवाद और कोई वाद नहीं था, मनुष्य बस, मानववाद एकमात्र। जहाँ दुख में है, कष्ट में है आदमी, वो अपना सर्वस्व दे देंगे। कुछ नहीं था उनके पास अंतिम समय में, तुम्हें थी और मुझको पहले उन्होंने बताया नहीं। एक रात भर वो कष्ट में रहे, उनको हर्निया का स्ट्रैंगुलेशन हो गया। तो वो तो उसमें मरने की बात नहीं है, ऑपरेशन होता है ठीक हो जाता है। दूसरे दिन मुझको 12 बजे बताया कि ऐसा हो गया। तब मैं यहाँ से सिविल सर्जन को, एम्बुलेंस को सब लेके गई। बड़े कष्ट में थे वो, लपेटे हुए थे और सब सेक रहे थे जैसा वो नहीं करना चाहिए। मैंने कहा मैं डॉक्टर को लाई हूँ, एम्बुलेंस आप चलें। तो हुआ ये था कि एक दिन ये अस्पताल गए, जाते थे फल वाले कुछ मिल जाए तो बीमारों को देने। तो देखा कि गरीब आदमी सब बाहर पड़े, अमीर आदमी सब हैं भीतर। तो उनके मन पर ऐसा हो गया कि अमीरों का है ये। तो उन्होंने कहा देखो, अब वो उस इतने कष्ट में मुझे कहा बैठो बैठो यहाँ देखो, वो अस्पताल जितने हैं वो बड़े आदमियों के हैं, गरीबों के नहीं हैं, वो वहाँ नहीं जाऊँगे। दिन भर कष्ट था, रात भर कष्ट था, दूसरे दिन प्रणंत हुआ उनका। उस वक्त समझिए कुछ नहीं था, एक फटी चादर थी। उस वक्त मैंने कहा भाई एक अच्छी साफ चादर ही दे दो, वहाँ नहीं मिला, मेरा घर इतनी दूर दारागंज से, अब क्या करूँ। वही छेद वाली फटी चादर ओढ़ के जमीन पर लेटे थे। आज तो रोना आ जाता है, बहुत कष्ट होता उनको सोच के। और एक उनका टूटा वक्त था जिसमें पैराडाइज लॉस्ट और गीता दो किताबें थी, एक कपड़ा भी दूसरा नहीं। और उसके बाद सरकार को पता चला। अच्छा तब ये हुआ कि उनका चित्र लेना है। चित्र के संबंध में विरक्ति का मेरे भी बहुत कारण ये है। और तो कहाँ तो ओढ़ने के लिए साफ चादर नहीं, कहाँ सरकार का पूरा विभाग दौड़ पड़ा और उनको सजाने लगा। जब वो मर गए तब सजाने लगा बताओ। फिर एक ट्रक में सजा के बैठाया उस तरह से, और मार फूल, और तो हम तो बस रोने लगे। हमारी उस दिन आंसू आए, रोने जा। लेकिन सोचिए आप, उसके पहले हमने सरकार से कहा निराले जी अस्वस्थ हैं, रहते हैं अस्वस्थ, कुछ इंतजाम करना चाहिए, इनकी कृतियों का राष्ट्रीयकरण कर दीजिए। किसी ने कुछ नहीं किया, जवाहरलाल जी ने भी नहीं किया। नहीं, जवाहरलाल जी 200 भेजने लगे, तो अगर उनको मालूम हो जाता तो लेते नहीं, तो डीएम के पास जमा होता था। अच्छा। डीएम के पास था 4,000-5,000-6,000 जो कुछ हो, उनकी हिम्मत ही पड़ेगी निराले जी से कहते कि रुपया लो। उनकी पुस्तकों से मिलता तो
तो मिलता। हाँ। बाकी दान, अरे वो आदमी जो अपना प्राण तक दे रक्त तक दे देगा वो क्या के दान देगा, तो नहीं दान देगा। सरोज की मृत्यु ने भी काफी दुख दिया था। अंत में वो राय बरेली के अस्पताल में मरी बेचारी। फिर भी हमने जब कहा रामकृष्ण उनके लड़के तो आई हैं, तो हमने कहा देखिए आप लिख दीजिए कि आपके बाद रॉयल्टी रामकृष्ण को मिले। नाराज होकर कहने लगे और कितनी बड़ी बात, क्योंकि मेरे लिए कौन रामकृष्ण नहीं है, रामकृष्ण के लिए लिखूं तो और रामकृष्ण, वो इतना बड़ा आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा। जवाहरलाल जी दे गए तो इंदिरा को दे गए, सभी अपने अपने बच्चों को दे जाते हैं ना, किसी न किसी संबंधी को। पंत जी कहने वो बच्ची पाली, बुलाए वो एक महीने की थी तब से अस्पताल से, कमला नेहरू अस्पताल से लाए और दूध की बोतल साफ करते थे। हमने कहा क्या कर रहे हैं, कहने लगे अब इसको सब संभलवा दूंगा। तो वो हमारे दिमाग में था, हमने हमसे कहा उन्होंने कि एक बच्चे गोद ले लेना अच्छा है। हमने कहा कौन है, यहाँ तो सबको हमने गोद लिया है। शासन में अभी हिंदी की जगह बनी नहीं, अंग्रेजी वही है जहाँ वो थी, बल्कि ज़्यादा फैली है। पहले 1% थी, 1.5 हुई, 2 हुई है, 2 हो गई है। तो ये क्यों ऐसा दिखता है कि सरकार कहती है कि वो राष्ट्रभाषा है, हिंदी को आना चाहिए, और व्यवहार में छद्म है, ये क्यों है, क्यों नहीं चाहते वो कि अंग्रेजी जाए? देखिए पहले उन्होंने ये समझा, एक तो जवाहरलाल जी हिंदी जानते नहीं थे, खाली मुझको चिट्ठी और हिंदी में लिखते थे, मगर अच्छी खासी हिंदी लिख लेते थे। हाँ लेकिन जानते तो नहीं थे ना, अंग्रेजी जानते थे अच्छी। तो उन लोगों ने जब 15 साल दिए तब मैंने कहा कि अब 15 साल की सूली दी आपने हिंदू को, जब आप उतारेंगे तो कहेंगे मर गई भाषा। आज ही आप हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कीजिए, जापान ने किया और छोटे देशों ने किया, उसमें 15 साल जो दिए इन्होंने उसमें कुछ नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेजी पर और निर्भर होने लगे हम। ये नहीं कि हिंदी में काम नहीं हो सकता, रेल के आप सब साहित्य है, डाकखाने का सब है, बैंक का सब है, वो विधि का जो एक पुरस्कार देने गई थी मैं, सेंटर में पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, विज्ञान की सब पूरा है, गणित है, लेकिन वो जो एक अफसर शाही है उसे चलने नहीं देती, वो जानते ही नहीं, उन्हें कठिन लगती है। और इससे इनका अपना नुकसान इतना होता है कि ये सोचते हैं कि केवल अंग्रेजी जानने वालों की ही दुनिया है, जबकि इनके विरोध में हिंदी और हिंदी तर भारतीय भाषा में इतना छपता रहता है, साहित्य भी है और इनका विरोध भी होता है, आलोचना भी होती है, ये उस तरफ से आंख मूंदे रहते हैं, इनको पता ही नहीं है भाषा में क्या लिखा जा रहा है। तो ये एक तरह से सीमित दृष्टिकोण हुआ। अब ये होता है कोई रूस से आया तो वो तो रूस ही बोलता है, और यहाँ का व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है, वो पूछता है आपकी कोई भाषा नहीं क्या? जापान के जो ही आते थे प्रोफेसर, अब नहीं है वो, लेकिन जापानी में बोलते थे, उनका स्वागत करने के लिए वो अंग्रेजी में बोलते। तो बात ये लगता ये है कि हमारे अफसर अब भी दो में नहीं गए, वही अफसर होंगे जो अंग्रेजी जानते होंगे। अब ये कैसी भयंकर बात है, दो क्लास आपने बना ली पहले से,
और आप यही मैंने उनको कहा, उनसे राजीव से जी। जब उन्होंने लिखा कि आपका आशीर्वाद मुझे प्रेरणा देगा, तो मैंने कहा भाई आशीर्वाद तो देती हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि अंग्रेजी में शपथ क्यों ली जब तुम्हारी भाषा है। मगर वो भी तो उनकी शिक्षा दीक्षा भी नहीं, वो अंग्रेजी में हुई है तो इसलिए वो भी नहीं। अब हिंदी वाला कोई भी नहीं है एक तरह से। हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है कोई, इसलिए भविष्य हिंदी का, हिंदी मरेगी तो नहीं, रहेगी वो, और हो सकता है आने वाली पीढ़ी अंग्रेजी जानती नहीं है, जो अब नया लड़का आता है ना वो नहीं जानता हिंदी, हिंदी जो उल्टी सीधी लिख भी लेता है अंग्रेजी नहीं जानता है, अंग्रेजी का प्रतिशत घटा है। अब वही अफसर कुछ है, अब अंग्रेजी माध्यम के रोज स्कूल खुलते हैं, रोज स्कूल खुलते हैं अंग्रेजी माध्यम के जी। और बड़े आदमी का लड़के जानते हैं उसमें, पब्लिक स्कूल वो हर शहर में है, सब कन्वेंट में जाएंगे उसमें जाएंगे। और हम नाम ऐसे रखते हैं, हम जगह हमको ले गए पतंजलि विद्यालय, तो हमने कहा भाई पतंजलि ऋषि के नाम से चले गए हम, देखा अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है वो, हमने कहा ये नाम आप क्यों ले रहे ऐसे, हालत बड़ी खराब है। मगर भाषा को तो जनता जीवित रखती है, क्योंकि वो उसमें सोचती है, बोलती है, काम करती है। तो देखिए ना, हर गांव में टीवी चला गया, हर गांव में शराब की दुकान चली गई, हर गांव में पढ़ाई का कुछ होता पता नहीं, आप जाइए तो ना कोई मास्टर है, ना कोई पढ़ने वाला है, कुछ नहीं है, तो हम शराबी बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं बताइए। मदिरा सेवन तो निराला जी भी करते थे है? नहीं, अच्छा ऐसा नहीं, कभी कोई जो बात हो दूसरी, लेकिन उनके संबंध में बहुत सी बातें उड़ाई गई, मगर कभी कभी तो ले लेते थे। हाँ, उनको ये नहीं कि परहेज है, लेकिन शराबी कुछ नहीं थी एकदम, लेकिन उनके संबंध में बड़ी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग बात ये जो बड़े पंडित थे ना, इनका उनका रहता है कट्टर, तो उन्होंने देखा कि अरे तो मुसलमान का भी छुआ खाता है, बस एक बात उड़ा दी उन्होंने, वो परहेज नहीं मानते थे कुछ।